सोमवार को बिलासपुर जिला में कोरोना टीकाकरण में युवाओं का अधिक उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर शहर के युवा अपने तय समय के अनुसार अपना टीकाकरण करवाने के लिए सेंटर में पहुंचे। युवाओं के लिए नगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल रौड़ा में सेंटर बनाया हुआ था, जिसमें युवाओं ने टीका लगवाया। आपको बता दें कि सोमवार को 18 से 44 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 12 जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें से 1200 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोगों को कोविड-19 और आरोग्य सेतु ऐप समेत सरकार की ओर से निर्धारित प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद ही तय शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण हो रहा है। सोमवार को टीकाकरण के लिए 1198 लोगों ने बुकिंग करवाई है। हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने का प्रावधान किया गया है। मई के महीने में 5 दिन ही वैक्सीन लगाई जाएगी। 17, 20, 24, 27 और 31 मई की तिथि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। कितनी उम्र है आपकी सर? मेरी 32। कैसा लग रहा है आज वैक्सीनेशन करवा के? बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोगों में भय का माहौल था कि वैक्सीन लगवा के उनको कुछ होगा, शरीर को ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जैसे ही वैक्सीन लगवाई तो सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे यहाँ पर, देखिए रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली, लेकिन शेड्यूल को लेकर काफ़ी जो है लोगों में परेशानियों का माहौल था, आपने शेड्यूलिंग कैसे की? मैंने जो थी शेड्यूलिंग इसकी आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू करवाई थी। साथ साथ ही मुझे मैसेज आया, मैंने वो कोड यहाँ पे दर्ज करवाया और साथ में रजिस्ट्रेशन होके मुझे वैक्सीन लग गई। कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की कोई नहीं। आपको कैसे पता चला कि आपकी वैक्सीनेशन यहाँ? आपको इसका मैसेज आया था कि आपकी यहाँ पे होगी? हाँ बिल्कुल, जो उसमें शेड्यूल था आरोग्य सेतु ऐप में वैक्सीनेशन का, उसमें लोकेशन थी कि रौड़ा सेक्टर का जो आपका क्लिनिक है उसमें आपकी वैक्सीनेशन होगी। मैं पहले वहाँ गया तो वहाँ से पता चला कि जो वैक्सीनेशन है वो वाजपुर में होगी। इस तरह की आपको शेड्यूलिंग को लेकर कोई ऐसा इशू आपको नहीं? कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अन्य युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अन्य युवाओं को मैं यही कहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जैसे भी समय लगे तुरंत जल्द से जल्दी वैक्सीन करवाएँ, ताकि जो भी बीमारी है कोरोना जो है उससे बचाव हो सके। आज मैंने वैक्सीनेशन लगवाया। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने युवा साथियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर आज से शुरू किया है। मैं केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा साथी हैं उन सबके लिए वैक्सीनेशन का प्रबंध किया जाए, और युवा साथियों को भी इसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए करवाएं, क्योंकि जब तक भारतवर्ष के 100% लोगों को वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा तब तक हम कोरोना वैश्विक महामारी के ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद। आज हमारे पास यहाँ पे कोविड-19 के लिए 18-44 एज के लिए हमने वैक्सीनेशन रखी थी यहाँ पे, जिसमें से हमारे पास 88 कंप्लीट हो गया और 90 हमारे पोर्टल पे जो है लोग चढ़े हुए हैं, तो जो लोग बचे हुए हैं इसमें भी, और काफ़ी अच्छी रही वैक्सीनेशन। और दूसरी बात यह है जैसे कि किसी को कोई एडवर्स इवेंट्स नहीं हुए, जो इम्यूनाइजेशन के लिए लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ थी वो एडवर्स इवेंट्स नहीं देखने को मिले यहाँ पे। बाकी सभी लोग खुश हैं यहाँ पे, जो भी वैक्सीनेशन हुई है, और हमारे पास ऐसे AEFI की कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। इस पर 8 लोगों को भी कम्प्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 2 लोग बचे हैं हमारे पास।